बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में मंगलवार को नाव मनोरथ अत्यंत ही ठाटबाट से मनाया गया। यमुना भाव से निर्मित जल टैंक में पुष्पों से सुसज्जित नाव में पंडित आशुतोष शर्मा द्वारा पूजन कर लड्डू गोपाल को विराजित कर 6:30 से 11 बजे तक जल विहार कराया गया। इस अवसर पर बजरंग मंदिर ट्रस्ट के अनिल मानसिंगा सह परिवार उपस्थित रहे। यमुना स्वरूपा जल टैंक में कमल पुष्प केवड़े के एवं गुलाब पुष्पों को पधराया गया, जिससे संपूर्ण मंदिर परिसर में ठंडक एवं खुशबूनुमा माहौल बना रहा। इसी क्रम में श्री हनुमान जी की प्रतिमा का रजत चोला एवं बर्फ से आच्छादित श्रृंगार अत्यंत ही मनमोहक रहा। भगवान के धराए गए 2100 किलो आम का रस बनाकर भक्तों में वितरित किया गया। उक्त महोत्सव में दर्शनों हेतु हजारों की तादाद में भक्तों ने भाग लिया, जिन्हें पंक्तिबद्ध रूप से दर्शन कराए गए। महोत्सव के सफल आयोजन हेतु पंडित आशुतोष शर्मा ने सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी से राहत प्रदान करने की भावना के अनुरूप भगवान लाल कृष्ण जी का जल विहार कराया जा रहा है। यह जल विहार वल्लभ संप्रदाय में श्रीनाथ मंदिर के तर्ज के अनुरूप ही किया गया है। इसके अंतर्गत श्रीराम मंदिर के सन्मुख यमुना भाव से निर्मित जल टैंक में विभिन्न पवित्र नदियों का जल समाहित कर केवड़ा मोगरा कमल पुष्पों से आच्छादित कर एवं सुसंस्कार सुसज्जित पुष्पों से सज्जित गाँव में भगवान बाल कृष्ण को पूजन कर जल विहार कराया जा रहा है। यह रात्रि आज मंगलवार 11/6/19 को रात्रि 6 से 11 पर्यंत रहेगा। इसी क्रम में श्री हनुमान जी महाराज के बर्फानी बाबा की तर्ज पर बर्फ का श्रृंगार किया गया है। बर्फ की शिलाओं से भगवान हनुमान जी को आच्छादित कर ठंडक की राहत की कामना की गई है। इसी क्रम में भगवान के 1100 किलो 2100 किलो आम का भोग लगाकर आमरस भक्तों में प्रसाद वितरित किया जा रहा है, जिसमें हजारों की तादाद में भक्त बढ़ रहे हैं।